हमारी बहन को बड़े आदर के साथ बुला के लाऊंगा, बड़े सम्मान के साथ बुला के लाऊंगा। जरा ध्यान दें, माननीय भ्रत श्री मुनेश यादव ये नंगला कोठी के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से एक रुपए हमारे पास आए हैं। व्रत श्री गुरुपाल साकियो ये भी नंगला कोठी के रहने वाले हैं, इनकी भी तरफ से एक रुपए हमारे पास आए हैं। व्रत श्री दिनेश यादव ये भी नंगला कोठी के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 101 रुपए आए हैं। भगवान से दुआ करते हैं, भगवान भैया की जिंदगी में दौलत के भंडार भरना, भैया की दीर्घायु करना, धर्म के क्षेत्र में इनके हाथ में ही आगे बढ़ते रहे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। कैसी है, अरे जयकारा तो बोलिए करो। सभी भक्त लोग दोनों हाथ ऊपर करके बड़े प्रेम से जयकारा लगाए, और देखो सब लोग ऊपर हाथ उठा रहे हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था, हाथ तो वो नहीं उठा पाते जिनके हाथ होते नहीं, और जब है तो हाथ उठाओ, और तौ ना उठे तो अगले जन्म में शायद है कि भगवान। हाँ, सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे, और तेज आवाज में, जो कि और पास गांव के लोग समझे, हाँ लौंगपुर में कथा चल रही है, भक्त बड़ा प्यार से कथा सुन रहे हैं। रानी ने दासी को बुलाया और एक बात कही, दासी एक द्वार पर चली जा और मेरी बहन को बुला के लाना, उससे कहना तुम्हारी बड़ी बहन बड़ा बेसब्री से घर पे इंतजार कर रही। और बोली, we'll be right back.
हमको बड़े आदर के साथ बुला के लाओ। अब काशी गई अब जो पालनी में छोटी रानी बैठी वहां पहुंची, दोनों हाथ जोड़ी कहने लगी क्यों ऐसे कब तक बैठी रहोगी? आपकी बड़ी बहन बड़ा बेसिक्री से घर पे इंतजार कर रही है, मां चलो। और जो बात सुनी कि बड़ी बहन छोटी रानी कहने लगी दासी अरे पागल है क्या, कौन बड़ी बहन, मेरे कोई बहन बहन नहीं है, किसका पर्चा दे रही है तू? दासी बोली लगता है मालूम नहीं है, महाराज की जो पहले वाली पत्नी है ना उन्होंने आपको बताया, इसका मतलब हमारे घर में सौत है। रानी कहने लगी नालायक दासी खुले शब्दों में ये क्यों नहीं कहती कि मेरे घर में सौत है? बोला महाराज को बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये घर में सौत है। महाराज को बुलाया, कहने लगी रानी क्या हुआ, कहने लगी क्या हुआ, अरे क्यों कहते हमारे पिता के दरवाजे पर जब तुम्हारे घर में एक पत्नी पहले से मौजूद थी, मेरी जिंदगी में हमसे शादी करके हमारी जिंदगी में विष घोल दिया, बिल्कुल नहीं जाऊंगी तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो सो। मतलब बोले हाँ, कहने लगी बात एक दूसरी के महाराज क्या कह रही बहन मेरे कोई बहन बहन नहीं है,
मतलब बोले हाँ दोबारा हमसे बहन कह मत देना। अरे तुम तो घर की रानी हो, बड़ी रानी तीन भाषा में कहने लगी बहन, अब मैं रानी कहाँ रही। भगवान ने अगर हमारी किस्मत में रानी बनकर लिखा होता तो क्या मेरी कोई संतान नहीं होती, मेरे क्या कोई पुत्र नहीं होता। तुम घर के अंदर चली चलो बहन, तुम जो कहोगी हम वही क्या करेंगे बहन। मैं किसी की बहन नहीं हूँ, बड़ी रानी समझ